ओम शांति। तपोभूमि पुण्यभूमि भारत मार संपन्नता जोगु एकदा भारत को सुनेली पक्षी कहा जाउथला, गोल्डन स्पैरो इन द वर्ल्ड। विश्व विजयी पराक्रमी अलेक्जेंडर अनेक देश जय करी विश्व विजयी हबार जो स्वप्न देखी थिले, तांको मनरे प्रबल आग्रह हैला ए भारत संपन्न भारत को विजय करिबा पई। तेणु से बहुत परिश्रम करी दुर्गम हिमालय को अतिक्रम करी सिंधु नदीर उपत्यकारे पहुँची राजा पुरुंक सह प्रबल युद्ध करी राजा पुरुंकु बंदी कले, परास्त करी बंदी कले। एवं तापरे से जो विजयी हबार स्वप्न देखी थिले ताकु साकार हबार हृदबोध करी युद्ध परे दिने सकाले सकाले शिविररु तांकर योद्धा घोड़ा उपरे बसी भारतर दृश्य देखिबा पई गाँ गंडा जंगल आदि दे से घोड़ारे बाहरिले। से देखिले ए भारतर अनेक कुड़िया जोठी टिके आलोक नाही, जहार छपर भी हुए तो भांगी जाइछि, जोठी अनेक स्त्री विधवा एक निराश चेहराधारी नारी क्रंदनरत स्त्री माने माँ माने छुआ माने कांदुचंती। एई भली दृश्य देखी से आगो को जाउथांती, किंतु एपरी कौनसी प्रकारर दुख दुर्दशार जो परिवेश अलेक्जेंडर को प्रभावित करनथिला। से एई भली आगो को जाई जाई गोटे घंच जंगल भितरे आगो को बढ़िले एवं जंगल रे देखिले कि अनेक साधु सन्यासी माने वस्त्र कौनसी परिधान करी नाहंती, अर्ध लग्न अवस्था रे हुए तो गच्छर किछि बळकळ को धारण करचंती, बड़ा सौम्य शांत चेहराधारी ए संथ माने तपस्या करचंती। गच्छर आढुआळ रे रही रही से तपस्यारत साधु माननकु से निरेखी देखिले, तांको बोध हैला कि बोध हुए एमाने बहुत दरिद्र बहुत गरीब, आंक पाखरे खाइबा को दाना नहीं कि पिंधिबा को खंडे कन्ना नहीं। एते प्रचंड शीतर लहरी रे एमाने बसी निश्चिंतरे तपस्या करुछंती। अलेक्जेंडर भाबिले कि मु जाए एइमानंक शीत को एइमानंकु शीतरु बंचेइबा पई किछि करिबाकु पड़िबो। तेणु से तुरंत फेरी गले तांका शिविरस्थली रे सेनापति को निर्देश देई किछि कंबल एवं शीत वस्त्र को से बाहर कले। अनेक गुड़िए घोड़ा उपरे से समस्त कंबल एवं शीत वस्त्र को लदी दियागला। तापरे पुणी अलेक्जेंडर ए सबु वस्त्र मानक सह फेरी चलिले जंगल उद्देश्य रे। जंगल रे जाई से बहुत आश्चर्यचकित हो गले कि से संथ माने सन्यासी माने सेई भली मौन रूपरे तपस्या रे रत अछंती। एते समय एका परिका बसी थिबार देखी से धीरे धीरे से कंबल एवं वस्त्र धरी से मानक पाखकु आसिले। सन्यासी माने केही तांको अनेलेनी कि तांको सह केही कथा कहिबा पई आग्रह प्रकाश कलेनी, समस्ते चुपचाप बसी थांती। एया देखी अलेक्जेंडर भाबिले ये संथ माने मते अपमानित करिबाकु चेष्टा करुछंती। से बहुत रागी गले, रागरे जर्जरित हेई से पार्टी कले, हे लंगड़ा साधु माने मु तुम मानक पई आसीची, तुमे माने मते अपमान करिबा पई चेष्टा करुच, तम मानकर केडे साहस मु ताहा बर्दाश्त करि पारुनी। ए कथा ए शब्द ए चित्कार सुनिकरी जने वृद्ध वयस्क सन्यासी नम्र भावरे गंभीर भावरे तांक आड़कु चाहि पचारिले, बाबा तमे कोन चाहुचो? आमे मैंने तुमर किपरि सेवा करू तमे किछि चाहुच। ए कथा शुणिकी आलेक्जेंडर अहंकार जर्जरित हे कहले मु तुम ठारू किछि चाहुना, मु विश्व विजयी, मु भारत को आक्रमण करी भारत उपरे विजय करिबा पई आसीची, ए अंचलटी को मु विजय करि सारिछि, तुमे माने एबे मोर अधीन रे अछ, मु बरंग तुमको किछि दबा पई आसीची, मु चाहुची तम मानकू किछि कंबल एवं शीत वस्त्र दबा द्वारा तमे माने निश्चिंत रे रही परिबो। ए कथा सुनी से वयस्क साधु जनक तांकू अनेइले, धीरे धीरे आलेक्जेंडर का पाखकू आसी आलेक्जेंडर का कांधरे टिके हाथ देई कहिले, तुमे सेई डकायत, सेई हत्याकारी जे अनेकों को हत्या करी अनेक राज्य विजय करी विश्व विजयी हबार स्वप्न देखीचे, तमे सीए शुण तमे विश्व विजयी तेबे हेई परिबो जेतेबेले अनेकंक हृदय उपरे जय करि परिबो, जेतेबेले मनुष्यर हृदय रे श्रद्धा प्रेम सुख दे तमे राज्य करि परिबो, अनेक मनुष्यर समाज रे हृदय रे जेतेबेले तमे स्थान पाई परिबो तेबे तुमे विश्व विजयी कहा जाई परिबो। तरबारी रा जय प्रकृत रे जय नुह, हृदय रे स्नेह आधार रे जदि जय करि परिबो तेबे तुमको जय कहा जयी कहा जीव विश्व विजयी कहा जीव। तेणु नीरव रे तांकर उपहार को प्रत्याख्यान करिथिबारु एवं तांकर शब्द सुनिबारु आलेक्जेंडर का आखि छळछळ हे गला। जीवन रे एपरि एक अद्भुत अनुभूति आलेक्जेंडर कर प्रथम थर हैला एवं से नीरव रे आउ किछि कथा न कही फेरी आसिले शिविर को। परदिन सकाळ हैला, आकाश रे उन्मुक्त पक्षी माने कलरव करी आगे गले उड़ी गले एवं राजा पुरुंक पाख को आलेक्जेंडर जाई तांकु ससम्माने मुक्त करिदेले। भारत को मुक्ति दबारे आलेक्जेंडर विश्व विजयी हबार स्वप्न को सेठी रखी फेरी गले। आउ ए स्वप्न जहाँ रखी थिले कहले ये भारत भारत मार बक्षरे जो मनीषी माने सन्यासी माने रही छंती से भली भारत सुनेली पक्षी को केबे भी कबलित करिहेब नाही। तेणु आम साधारण संस्कार भारतीय रो जहा कि स्नेह परोपकार जाहरी आधार रे आमे हृदय को जय करि परिबा। ओम शांति।